खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं भिवंडी से सांसद कपिल पाटिल जी। सर, एक बार फिर से एक बिल्डिंग गिरी है जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं मुंबई में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लोगों की जाने चली जाती है बारिश के वक्त, ऐसी धोखादायक जो बिल्डिंगें होती है। सही मायने में इसमें सोल्यूशन निकालने के लिए कॉरपोरेशन ने और वहाँ पे रहने वाले लोगों का एक ज्वाइंट मीटिंग करके उसमें से सोल्यूशन निकालने के लिए, बारिश के टाइम जो धोखादायक इमारत रहेंगी उसमें जो लोग रहते हैं उनको कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के बारे में कॉरपोरेशन ने कदम उठाने चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसका हमें दुख है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी घटना नहीं घटे इसलिए कॉरपोरेशन और वहाँ पर रहने वाले जो रहवासी हैं उन्होंने एक साथ में आके इस तरह से कुछ प्लानिंग करनी चाहिए कि बारिश के वक्त जो धोखादायक इमारतें उसमें ना रहे और दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे तो इसमें से बचा जा सके। लेकिन सर, कॉरपोरेशन पर शिवसेना का कब्जा है और आपकी सहयोगी पार्टी है, मानते हैं कि चूक बार बार वहीं पर हो रही है? ऐसा है, देखो, कॉरपोरेशन में शिवसेना का कब्जा भले है लेकिन ये सारा काम प्रशासन का होता है। प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभानी चाहिए। कभी कभी प्रशासन अपना काम करता है लेकिन रहने वाले लोग नहीं मानते हैं, तो दोनों उसमें से एक्चुअली फैक्ट क्या है मुझे पता नहीं है। मैं तो अपने मन की बात कर रहा हूँ, जनरल जो हमारे सामने सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर से मैं यहाँ पे आपके सामने बात कर रहा हूँ। एक्चुअली वहाँ पे क्या फैक्ट हुआ है आज मैं नहीं बता। एक आखिरी सवाल इस सबके बीच में, विपक्ष कह रहा है कि जो एक नेक्सस है जिसमें अधिकारी भी हैं, जिसमें रिबिल्डर भी हैं, जिसमें राजनेता हैं, उनकी वजह। विपक्ष तो अपनी बातें करते रहते हैं, जब भी कुछ घटना होगी तो वो जो सत्ताधारी होते हैं उनके ऊपर ही एलिगेशन करेंगे। साफ तौर पर भिवंडी से सांसद कपिल पाटिल का कहना है कि विपक्ष तो आरोप लगाते रहता, अपनी बात करता रहता है लेकिन निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बनती अधिकारियों की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नोटिस दिए जाने के बावजूद बिल्डिंग खाली नहीं होती है और उस वजह से भी इस तरीके की घटनाएं काफी बड़ी हो जाती हैं। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।